हेलो फ्रेंड्स गुड आफ्टरनून कैलकुलस कोचिंग कोटपुतले के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है फ्रेंड्स दिल्ली पुलिस 2023 से संबंधित जो क्वेश्चन श्रृंखला है उसके संबंध में एक न्यू वीडियो है जो नया संसद भवन से संबंधित है फर्स्ट क्वेश्चन है भारत के नए संसद भवन का उद्घाटन है वो कब किया गया था याद रखिएगा कि जो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर होगा वो होगा फ्रेंड्स अट्ठाईस मई तो अट्ठाईस मई 2023 को नई संसद भवन का उद्घाटन किया गया है नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के नए संसद भवन का उद्घाटन 28 मई 2023 को किसके द्वारा किया गया तो ये भी एक वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स इसका उद्घाटन है नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया है नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन है नए संसद भवन का जो वास्तुकार है वो कौन है यानी इसका जो वास्तुकार है वो व्यक्ति है विमल पटेल नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा उससे पहले उस थोड़ी सी पिछले क्वेश्चन की व्याख्या कि नए संसद भवन का जो निर्माण है वो टाटा प्रोजेक्ट ने किया था जबकि इसकी डिज़ाइन को अहमदाबाद की कंपनी एस डिज़ाइन एंड मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड ने अंजाम दिया है नेक्स्ट अगली स्लाइड पर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर नई संसद भवन को बनाने के लिए कितने करोड़ रुपए खर्च हुए हैं ये क्वेश्चन भी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है याद रखिएगा इसमें कुल जो खर्चा है वो है 1200 करोड़ रुपए नेक्स्ट क्वेश्चन नए संसद भवन में लोकसभा चैम्बर में कितने सदस्यों के बैठने की क्षमता है तो याद रखिएगा फ्रेंड्स जो नए लोकसभा का चैम्बर बनाया गया है उसमें वर्तमान सदस्यों को ध्यान में नहीं रखते हुए 2026 में जो सदस्य संख्या बढ़ाई जाएगी उसी के अनुरूप इसमें सदस्यों के बैठने की क्षमता का निर्धारण किया गया है और वो है आठ सदस्य ऑप्शन नंबर डी नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम कि नए जो भवन है लोकसभा चेंबर में तो आठ बैठ सकते हैं और राज्यसभा चेंबर में तीन सदस्य बैठ सकते हैं लेकिन याद रखिएगा कि जब दोनों सदनों की संयुक्त बैठक होगी तो लोकसभा का जो कक्ष है उसमें कुल बारह सौ अस्सी सदस्यों के बैठने की व्यवस्था की गई है नेक्स्ट क्वेश्चन नई संसद भवन की जो आधारशिला है वो कब रखी गई थी है ना उद्घाटन तो हुआ है अट्ठाईस मई को याद रखिएगा कि इसकी आधारशिला है वो दस दिसंबर 2020 में रखी गई तो फ्रेंड्स तीन साल से भी कम समय में हमारा इस नया संसद भवन है वो बनकर के तैयार हुआ इसकी जो आधारशिला है वो 10 दिसंबर 2020 को पीएम मोदी के द्वारा रखी गई थी और तीन साल से कम समय में ये क्यों है हमारा बनकर के तैयार हो गया है और यह चौंसठ हजार पाँच सौ बारह किलोमीटर में पहले ये चार मंजिला इमारत है और इसका जो आकार है वो है त्रिकोणीय नेक्स्ट क्वेश्चन है वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये भी कि नए संसद भवन में कुल कितने प्रवेश द्वार हैं तो फ्रेंड्स याद रखिएगा कि नया संसद भवन बना है उसमें कुल तीन प्रवेश द्वार है रखे गए हैं जिसमें वी आई मंत्री इनकी एंट्री के लिए भी कुछ विशेष उपबंध किए गए हैं इस इमारत के जो तीन मुख्य द्वार है उनके नाम आपको याद रखने ही एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं एक का नाम है ज्ञान द्वार दूसरे का नाम है शक्ति द्वार और तीसरे का द्वार है तीसरे द्वार का नाम है कर्म द्वार ज्ञान शक्ति और कर्म द्वार इसमें वी सांसद और आगंतुकों के लिए भी अलग अलग प्रवेश द्वार है वो बनाए गए हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा नए संसद भवन में राज्यसभा कक्ष की जो थीम है वो क्या रखी गई है तो फ्रेंड्स याद रखिएगा कि राज्यसभा के लिए और लोकसभा कक्ष के लिए जो थीम है वो अलग अलग रखी गई है जो राज्यसभा कक्ष है उसके लिए तो रखी गई है राष्ट्रीय पुष्प कमल और याद रखेगा कि जो लोकसभा वाला कक्ष है उसके लिए जो थीम रखी गई है वो है राष्ट्रीय पक्षी मोर यानी राज्यसभा के लिए तो कमल और जो लोकसभा है उसके लिए रखी गई है मोर नेक्स्ट है संसद भवन के उद्घाटन के उपलक्ष्य में कितने रुपए का एक विशेष सिक्का है वो जारी किया गया या किया जाएगा वो है फ्रेंड्स से रुपये जो ऑप्शन नंबर ए में हमें दिखाई दे रहा है जो आपको चित्र में भी इसका दिखाई दे रहा है कि पिचहत्तर रुपये का एक सिक्का है ये नेक्स्ट है नई संसद में ऐतिहासिक राजदंड सेंगोल को लोकसभा अध्यक्ष के आसन के समीप स्थापित किया गया है ये सेंगोल है ये किसका प्रतीक है तो याद रखिएगा ये जो सेंगोल था ये सत्ता हस्तांतरण का था और ये सेंगोल है ये ब्रिटिश साम्राज्य से संबंधित है नेक्स्ट मौजूदा संसद भवन का निर्माण है वो कब शुरू किया गया था यानी अभी जो हम बात कर रहे थे ये बीस और तेईस की ये तो नई संसद भवन की बात है जो मौजूदा संसद भवन है यानी इसका प्रारंभिक जो निर्माण हुआ था वो हुआ था उन्नीस में याद रखिएगा उन्नीस में निर्माण कार्य प्रारंभ हुआ था और इसका निर्माण कार्य है वो उन्नीस में पूरा हुआ था एक सेंगोल के बारे में ब्रिटिश शासन से सत्ता हस्तांतरण के प्रतीक जो ऐतिहासिक सेंगोल था उसको नई संसद भवन में स्थापित किया गया है और देश के जो पहले प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू ने उन्होंने अंग्रेजों से सत्ता हस्तांतरण के प्रतीक के तौर पर सेंगोल को लिया था जो लंबे समय से प्रयागराज के एक संग्रहालय में रखा हुआ था जिसको अभी यहाँ नई संसद भवन में रखा गया है अभी जो पिछला प्रश्न पढ़ा है उसकी व्याख्या है कि मौजूदा संसद भवन का निर्माण उन्नीस सौ इक्या इक्कीस में शुरू हुआ और सताईस में बनकर तैयार हुआ और ये लगभग सौ साल पुराना है और अभी हमने थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे वो आठ सौ अट्ठासी और बाकी अन्य सीटों की वो ज़्यादा सीटें रखने का जो रीज़न था वो ये है कि दो के बाद परिसमन की स्थिति में लोकसभा की सीटों की संख्या बढ़ सकती है क्योंकि सीटों की संख्या बढ़ने पर लगी हुई जो पाबंदी थी वो दो में समाप्त हो जाएगी नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये भारतीय संसद से संबंधित कुछ अन्य तथ्यात्मक प्रश्न है जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं इनमें से हमारा तेरह नंबर का क्वेश्चन है भारतीय संसद के कितने सदन हैं तो याद रखिएगा भारतीय संसद के हमारे दो सदन हैं जिनमें एक नंबर पे आता है तो हमारा लोकसभा और सेकंड नंबर पे यदि हम बात करते हैं तो वो आता है हमारा राज्यसभा नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा संसद का लोकप्रिय सदन कौन सा है तो याद रखिएगा फ्रेंड जो संसद का लोकप्रिय सदन है वो लोकसभा है और इसे लोकप्रिय सदन कहने के पीछे जो कारण है वो ये है कि लोकसभा के सदस्यों का जो चयन है वो जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से किया जाता है इस सदन को जनता का सदन भी कहा जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन संसद के किस सदन को प्रतिनिधि सभा कहा जाता है तो याद रखिएगा अगर लोकप्रिय सदन की बात करें तो लोकसभा था और प्रतिनिधियात्मक सदन की बात करें तो वह राज्यसभा और प्रतिनिधि सभा कहे जाने के पीछे रीजन ये है कि इसके सदस्यों का चयन वो जनता द्वारा प्रत्यक्ष नहीं किया जाकर जनता द्वारा चुनी हुई प्रतिनिधियों के माध्यम से किया जाता है नेक्स्ट अगला क्वेश्चन संसद का स्थायी सदन कौन सा होता है तो फ्रेंड ध्यान रखिएगा कि जो दोनों सदन है उनमें से जो लोकसभा है वो तो है अस्थाई सदन और जो राज्यसभा है वो है इसका स्थायी सदन क्योंकि राज्यसभा है वो कभी भंग नहीं होती है सिर्फ राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं उनका कार्यकाल छः साल होता है और उनमें से भी एकवटा जो तीन सदस्य हैं वो प्रति दो वर्षवास सेवानिवृत्त हो जाते हैं इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर होगा बी नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा भारतीय संसद में क्या शामिल है तो याद रखिएगा कि यह भारतीय संसद में पूछा है ना कि भारतीय संसद के सदन तो भारतीय संसद में यहाँ लोकसभा राज्यसभा और राष्ट्रपति तीनों चीज़ें शामिल होंगी नेक्स्ट क्वेश्चन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कहा है कि संघ के लिए एक संसद होगी जो राष्ट्रपति और दो सदनों से मिलकर बनेगी तो यहाँ याद रखिएगा कि यहाँ पर आएगा अनुच्छेद सेवेंटी नाइन अनुच्छेद एटी की यदि बात करते हैं तो यहाँ राज्यसभा के बारे में चर्चा है नेक्स्ट है भारतीय संसद के कितने अंग है अभी दो मिनट पहले हमने क्वेश्चन पर चर्चा भी की है कि यहाँ पर अंग पूछा है और अंग पूछते ही हमें आंसर देना है तीन और यदि हमें सदन पूछता है तो हमें आंसर देना है दो नेक्स्ट हमारा आज का लास्ट प्रश्न है फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट करके बताइएंगे और यदि आप अभी तक मेरे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स के पास शेयर करिए आज का हमारा लास्ट प्रश्न है संसद का निम्न और उच्च सदन कौन सा है फ्रेंड्स कमेंट करके इसका आंसर बताइएगा थैंक यू वेरी मच